दोस्तों, क्या मौत के बाद हर किसी को स्वर्ग या नरक जैसी ही दुनिया में जाना पड़ता है? या कोई ऐसी रहस्यमय दुनिया है जहां मौत के बाद जाकर भी लौटा जा सकता है? इस झकझोर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढने में लगे विद्वानों ने जब ऐसे लोगों के अनुभवों को समेटना शुरू किया जो दूसरी दुनिया में जाकर वापस लौट कर आए थे, तो उन्हें बहुत ही चौंका देने वाले तथ्य मिले। ऐसे ही लोगों के अनुभवों को हम अपने इस एपिसोड की माला में पिरो कर लाए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए भी जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे आप हमारे वीडियो देखते हैं सबसे तेज और सबसे पहले। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है मृत्यु। किसी के लिए स्वयं की मृत्यु और किसी के लिए अपने किसी प्राणों से भी अधिक प्रिय की मृत्यु। उसका सबसे बड़ा कारण है मृत्यु को ही अंत मान लेना। मृत्यु नज़दीक मतलब खेल खत्म। न आप और न आपके भगवान, कोई आपकी मृत्यु के बीच में नहीं आता। लेकिन कई बार मौत से ज़्यादा भयानक मौत का डर होता है। लेकिन धर्मात्मा मनुष्यों के लिए मौत भयानक नहीं होती। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु सुखद होगी। इस बात पर अधिकतर जीवित लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मृत्यु के दरवाजे से वापस लौटकर आने वाले कुछ ऐसा ही अनुभव बताते हैं। लोगों की मृत्यु और मृत्यु के पार के अनुभवों को विश्व के कई जाने माने मूर्धन्य विद्वानों, जिनमें रेमंड मूडी, डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर जेम्स एंथोनी, ग्रेस रोशेर, एलिजाबेथ कुबलर, मिसेज जेन शेरवुड और भारत में दीपक चोपड़ा, दिनेश डिसूजा एवं आचार्य श्रीराम शर्मा आदि ने विस्तार से अपनी कृतियों में समेटा है। मौत के दरवाजे से लौट कर आने वाले कई लोगों ने दिव्य प्रकाश, सुरम्य स्थानों का मनोहारी वर्णन किया है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लिविंग डेड में सर विलियम बैरेट ने किया, जिसमें जर्मनी के बॉन शहर में एक महिला की हालत प्रसव पीड़ा के दौरान बिगड़ गई। नर्स ने तुरंत लेडी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। महिला अर्ध बेहोशी की हालत में थी। अचानक उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर मत परेशान हो, मुझे उस संसार में चले जाने दो। कितना मनोहारी दृश्य है वहाँ, कितने अच्छे लोग दिख रहे हैं वहाँ के। इतना दिव्य प्रकाश है कि पूरा वातावरण प्रकाशमान हो रहा है वहाँ। फिर एक और घूमकर अपने मृत पिता से बात करने लगी, जैसे सचमुच वो वहाँ खड़े हों। वो बोली, डैडी मैं जल्दी ही आ रही हूँ, लेकिन देखिए ना, ये लोग मुझे आने ही नहीं देते। फिर अचानक से वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ठीक उसी समय उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये जेनी डैडी के साथ कैसे है, वो तो हैम्बर्ग में पढ़ रही थी ना। जेनी उसकी छोटी बहन थी, जिसकी कुछ दिनों पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन ये खबर उससे छुपाई गई थी। दो दिन बाद उस बूढ़ी माँ की सूनी आंखों में फिर से आंसू थे, क्योंकि उसकी बड़ी लड़की भी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी और जा पहुंची थी वहां जहां उसके पिता और छोटी बहन थे। एक दूसरी घटना के अनुसार, डेट्रॉयट अमेरिका में कुछ साल पहले एक प्रसिद्ध अखबार में उस पार नाम के शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला छपी थी, जिसमें ऐसे ही लोगों के अनुभव संस्मरण शैली में प्रकाशित हुए थे जो मौत के मुंह से वापस जाकर लौट कर आए थे। इन संस्मरणों में एक अनुभव लिन मेलबिन का था, जो अमेरिका के मियामी का रहने वाला था। अंतिम समय के अनुभवों को उसने लिखा है कि तेज बुखार के कारण मेरे सर में भारी जलन हो रही थी, मेरी हालत खराब होती चली जा रही थी, दर्द बढ़ते बढ़ते अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपने आप को काफ़ी हल्का, शांत, शीतल, स्वतंत्र और शक्ति संपन्न महसूस किया। मुझे लगा मैं हवा में तैर रहा था। अपने चारों तरफ का वातावरण मुझे काफ़ी रंगीन और सुहावना लगा। वो बस अद्वितीय अनुभव था। इस आश्चर्यजनक स्थिति का पहले तो कोई कारण नहीं समझ में आया, फिर लगा शायद मैं मर चुका हूँ। लेकिन यह स्थिति भी अधिक देर तक नहीं बनी रही। मुझे लगा कि किसी ने मुझे मेरे ही शरीर में धकेल दिया हो
और मैं जीवित हो गया। होश में आने पर देखा कि मेरे परिवार वाले मेरे मृत शरीर को दफनाने के लिए आवश्यक तैयारी में लगे हुए थे। मौत के बाद वापस जी उठने पर परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे, खास तौर पर मेरी छोटी बेटी। सामान्य लोगों के लिए मौत हमेशा ही दुखदायी होती है, क्योंकि उनकी बसी बसाई दुनिया उजड़ जाती है जिसे उन्होंने अपने हाथों से संवारा होता है। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और हमारे लिए ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। मौत के बाद की दुनिया से वापस लौटकर आने वालों का सफर जारी रहेगा। अगले एपिसोड में भी, तब तक के लिए नमस्कार।